आज डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर्स के बारे में। जो कूलिंग टावर होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कूलिंग टावर क्या होता है? जैसे इसका नाम है कूलिंग टावर, एक टावर होगा जो कूलिंग के काम आएगा। तो हम कूल क्या करेंगे इसके अंदर? गर्म पानी को ठंडा करेंगे। तो गर्म पानी को ठंडा करने वाले टावर को हम कूलिंग टावर बोलते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स में हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें गर्म पानी को ठंडा करना पड़ता है और उस ठंडे पानी को रीसर्कुलेट हमें चाहिए होता है, रीसर्कुलेशन उसका चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। इस तरह की शेप का हमारे पास कूलिंग टावर होता है लगभग। इसके अंदर देखिए ये शेप है जो एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी शेप इस तरह से होती है। ये कंक्रीट का बना होता है लगभग और इस शेप का होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे नीचे होता है बेसिन। बेसिन क्या है? बेसिन जहाँ पे हमारा जो कोल्ड वाटर है वो इकट्ठा होता है। तो ये है कोल्ड वाटर, जहाँ पे हमारा ठंडा पानी इकट्ठा होगा उसको हम बेसिन बोलेंगे, जो सबसे नीचे होगी इस कूलिंग टावर में। बीच में होता है हीट एक्सचेंज सरफेस, हीट एक्सचेंज सरफेस। ये जो हीट एक्सचेंज सरफेस है ये एक तरह की जाली होती है, ताकि इसके साथ टकराने के बाद जो हमारी हवा है और पानी है एक अच्छा रिलेशन बना सकें, और जो हमारा वाटर है, गर्म वाटर है, वो जल्दी से ठंडा हो सके और ज़्यादा ठंडा हो सके, एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा टाइम तक रह सके। तो इसलिए ये हीट एक्सचेंज सरफेस बीच में लगाया जाता है। यहाँ पे है हॉट वाटर इनलेट। जो ये पाइप है यहाँ से आता है हॉट वाटर, जो हमारा पानी गर्म हो चुका है वो हॉट वाटर इस पाइप से जाता है। इस पाइप से जाके यहाँ पे ये नोजल्स लगी हुई हैं, ये हैं नोजल्स। तो ये नोजल्स क्या करती हैं? उस हॉट वाटर को नीचे की तरफ स्प्रे करती हैं, जो हॉट वाटर आता है इस पाइप के थ्रू जो चलता है, ये नोजल्स उसको स्प्रे करती हैं। इसके ऊपर लगा होता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ये जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है ये किस काम आता है? ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो वाटर पार्टिकल्स को कैच करने के काम आता है। देखिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब हमारा हॉट वाटर आएगा तो वो यहाँ से इन नोजल्स के थ्रू स्प्रे होगा, जो हमारी एयर है वो यहाँ से एंटर करेगी। दोनों तरफ से एयर के लिए पैसेज दिया होगा, तो एयर हमारी ऊपर की तरफ जाएगी और इस हीट एक्सचेंज सरफेस के पास पहुँचेगी यहाँ पे। इसी तरह से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, जो गर्म पानी है, तो यहाँ वो भी हीट एक्सचेंज सरफेस पे आएगा और ये दोनों आपस के अंदर कम्बिनेशन बनाएंगे। जो एयर है वो पानी को ठंडा करेगा यहाँ पे इस हीट एक्सचेंज सरफेस पे। जो एयर है ज़्यादा टाइम तक पानी के कांटेक्ट में रहेगी, गर्म पानी के, और जो कोल्ड वाटर है वो हमारा बेसिन के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एयर वाटर के, गर्म वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो इवेपोरेशन भी होगा, जिससे क्या होगा, जो भाप है, वेपर्स हैं, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जो ये ड्रिफ्ट एल्यूमिनेटर है, ये ड्रिफ्ट एल्यूमिनेटर जो एयर के अंदर लार्ज ड्रॉप हैं वाटर की, लार्ज ड्रॉपलेट्स वाटर की यहाँ पे कैच हो जाएंगी ड्रिफ्ट एल्यूमिनेटर पे, तो वो इससे टकराएंगी और जो पानी है वो दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो वाटर का लॉस हमारा बचेगा एनवायरनमेंट में जाने से। तो जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं या स्मॉल वेपर्स हैं वो तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो उनको कैच करेगा। ये स्मॉल को भी कैच करता है, जिनके अंदर मिस्ट होती है, मीन्स धूल के कण होते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर काम करता है लार्ज ड्रोपलेट्स को रोकने का, या फिर स्मॉल ड्रोपलेट्स प्लस मिस्ट जो धूल है पानी के अंदर उसको रोकने का, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह से ये सारी वर्किंग होती है कूलिंग टावर में। तो जो ये ठंडा पानी हमारा नीचे इकट्ठा होता है, हम इसका दोबारा से रीयूज कर लेते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है। तो कूलिंग टावर इस तरह से काम करता है।
जिसके अंदर मेन पार्ट्स क्या होते हैं, एक तो इसकी शेप है जो, और इसके अंदर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, ये हॉट वाटर पाइप और नोजल्स, हीट एक्सचेंज सरफेस, और नीचे बेसिन, एयर के लिए पैसेज। तो ये हमारे नेचुरल, अगर हम बात करें तो कूलिंग टावर में होता है, क्योंकि जैसे जैसे हवा गर्म पानी के कॉन्टैक्ट में आएगी तो हवा भी गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसका घनत्व कम हो जाएगा और ऊपर की तरफ ये एयर जाएगी। तो कूलिंग टावर नेचुरली ये हमने दिखाया है। इसके काफ़ी टाइप होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स्ड ड्राफ्ट, तो काफ़ी तरह के टाइप हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये है नेचुरली टाइप कूलिंग टावर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।